देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 अक्टूबर को जगदलपुर पहुंचे हुए थे और इसी लालबाग मैदान में प्रधानमंत्री ने एक आम सभा को संबोधित किया। भाजपा ने जिस तरह दावा किया था कि सभा में करीब 1 लाख भीड़ जुटाया जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि लगभग यहां पर 50 से 60 हज़ार संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। एक तरफ सर्व आदिवासी समाज और कांग्रेस सरकार ने बंद बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली और देख सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों से खासकर बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण मौजूद है जो इस सभा में आए थे। दादा, ये बताओ कौन से गांव से हो? लोंडीगुड़ा से। अच्छा, कौन आया था यहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसा लगा उनको सुन? ठीक लगा। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। क्या लगता है किसका सरकार बनना चाहिए अब छत्तीसगढ़ में? भाजपा का बनना चाहिए। अच्छा लगा नरेंद्र मोदी को सुन के। आपको कैसा लगा दादा? ठीक लगा। क्या अच्छा लगा, क्या बोले, क्या सुने आप? मैं तो सुना हूँ वो सबको ये एक कर दूंगा बोला है। अच्छा, अभी ये बताओ, अभी वर्तमान सरकार है कांग्रेस सरकार का, क्या कुछ काम हो रहा है आपके ग्रामीण अंचलों में? नहीं, पहले नहीं हुआ था। पहले धान बेचने में भी बोरा उरा का भी झंझट था। हाँ, परेशान था। अच्छा, अभी फिर अगले अभी सरकार होने से मिलेगा। तो अभी किसकी सरकार आना चाहिए, क्योंकि चुनाव है? अभी भाजपा का आना चाहिए। आप बताओ किसकी सरकार आना चाहिए अभी? अभी तो भाजपा का आना चाहिए सरकार। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी को सुने आप, कैसा लगा आपको सुनकर? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा, पूरा देश के पूरा विश्व के लोगों को अच्छा लगेगा, मेरे को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा, जगदलपुर वाले को भी अच्छा लगा। अच्छा, ये बताओ कोई रोक टोक नहीं किया, क्योंकि आज आदिवासी समाज बंद भी बुला है? वो क्या बंद करेंगे, वो खुद ही बंद हो जाएंगे। अच्छा, जो बंद करने वाला। हाँ, और को आने से यहाँ कोई नहीं रोक पाया? क्या रोकेगा कोई, हमको कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोका। अच्छा लगा सुनकर, बहुत बढ़िया लगा। तो आप क्या बोलते, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार बननी चाहिए। हाँ, देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है आज प्रधानमंत्री को सुन के, और भाजपा की सरकार बनना चाहिए। यहाँ एक महिला भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आज जिस तरह से सभा हुआ है, लगातार बस्तर के जो आदिवासी समाज है वो आज बंद का आह्वान कर रहे थे, लेकिन कैसा लगा ये सभा और आपको क्या खासियत लगे इस सभा का? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, बेशक बीजेपी का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन जो मैंने पब्लिकली देखा, लोग अपने प्रधानमंत्री को सुनने आए थे। उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जिसकी अगर हम कहें तो विश्व पटल पर भी सराहना हुई है, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में था कि हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जाएं, हम देखें वो कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं। और निश्चित तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था, ऐतिहासिक भीड़ जो है लालबाग में जमा हुई थी, जो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की सफलता को तो दर्शाती है, साथ ही साथ लोगों का जो अगाध प्रेम अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति है उसे भी दर्शाता है। 5 साल बाद आए नरेंद्र मोदी, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर देखने को मिली विरोध के बावजूद भी, क्या लगता है कि आगामी चुनाव है विधानसभा चुनाव में, उनकी सभा से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, टीवी पे किसी का प्रोग्राम देखना वो अलग होता है, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सुनती है, जिस तरह से उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट के बारे में भी घोषणा की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इसका आगामी चुनाव पर पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए थे वो काफ़ी उत्साहित भी हुए उन्हें सुनकर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसे हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से आए आप? लोंडीगुड़ा से। कैसा लगा सभा? ठीक है। क्या अच्छा लगा प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर? सब ठीक है। अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्या लगता है क्यों बननी चाहिए? अभी कुछ काम नहीं हो रहा है ढंग से। अच्छा, भाजपा ने कुछ करेंगे? अच्छा, अभी गांव में कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, रोड उड ऐसी गड्ढा उड्ढा है? अच्छा, गड्ढा वड्ढा है रोड में, बन नहीं रहा है? नहीं। अच्छा, तो भाजपा सरकार आएगी तो बनेगा, आपको उम्मीद है? जी सर। अच्छा, अच्छा लगा आपको सुन के। कितने लोग आए होंगे आपके लोंडीगुड़ा से? आए हैं सर, बहुत लोग आए जी। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कि किस तरह से ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और बकायदा इन्होंने पूरे आखिरी तक प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। हालांकि कल 2 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज ने महारैली करके और बस्तर बंद का आह्वान किया था, और ऐसा लग रहा था कि इस बंद से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा सभा को लेकर, लेकिन भाजपा के नेताओं ने दावा किया था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग देखिए भाजपा की टी शर्ट और टोपी पहने, कहाँ से आए हो दादा? झारा से। अच्छा, कौन आया था यहाँ पे?
किसको सुनने आए थे यहाँ पे? ओ मोदी। कौन आया था? मोदी 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 आया था। क्या अच्छा लगा सुन के? नहीं सुन पाए क्यों? लेट हो गया थोड़ा सा। अच्छा लेट हो गया। अच्छा ये टी शर्ट कौन दिया आप लोगों को? मोदी का। अच्छा मोदी का टी शर्ट। अच्छा ये बताओ कि कौन से गांव से बताए आप? जारा। जारा से। अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री का सभा हुआ, इतने लोग ग्रामीण अंचल से आए, क्या लगता है कि अभी चुनाव आने वाला छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन आना चाहिए, किसकी सरकार बनना चाहिए? मोदी जी का। मोदी जी का सरकार बनना चाहिए? भाजपा सरकार बनना चाहिए? भाजपा सरकार। अच्छा क्यों बनना चाहिए? क्या आपके गांव में अभी विकास नहीं हो पा रहा है भूपेश बघेल के सरकार में? अभी तो पहले का घर मन भी पूरा अधूरा हो गया। हाँ। पूरा नहीं बन पाया। अच्छा मकान नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। अच्छा और अभी आने वाला समय में काम मन कुछ नहीं हो रहा है। काम मन कुछ नहीं हो रहा है गाँव में? विकास नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है भाजपा आएगा तो फिर से विकास होगा? हो जाएगा। हो जाएगा उम्मीद है? उम्मीद है। देखिए यहाँ के लोगों की काफ़ी उम्मीद है कि बोल रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा यहाँ बनती है तो यहाँ पर जरूर। दादा आप कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? यही मोदी सरकार। मोदी सरकार आना चाहिए? इलू से हम। कैसा लगा अभी भाषण सुन के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा क्या क्या बोले, कुछ सुने? सुने का है कुछ। अच्छा थोड़ी दूर थे आप? दूर थे हमसे। अच्छा लेकिन भाजपा की सरकार बनना चाहिए? बनानी चाहिए। अच्छा तो देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा की सरकार बनना चाहिए। आप बताइए आप कहाँ से आए? हम लोग पाथरी से आए। कहाँ से? पाथरी। अच्छा पाथरी से आए। अच्छा कौन आया था यहाँ पे? यहाँ मोदी जी आए थे। अच्छा कैसा लगा? बढ़िया लगा। उनके भाषण को आपने सुना, कैसा लगा? जोश आया? बहुत जोश, बहुत जोश। अच्छा क्या अच्छा लगता है मोदी जी का आपको? मोदी जी का हर कोई चीज़ वो गारंटी के साथ बोलते हैं और गारंटी के साथ उतरते हैं, करते हैं। अच्छा उनका वायदा अनर्थ नहीं जाता है, जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। अच्छा अभी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? तो बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का बनेगा? जी 100% बनेगा। 100% बनेगा जी, जी। पूरे कॉन्फिडेंस में? बिल्कुल। अच्छा जी अभी की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, अगर विकास की बात की जाए तो क्या गांव में विकास कर पाई है कांग्रेस सरकार? वो क्या किए भाई? हाँ। गरवा धुरवा। हाँ। और क्या किए? कुछ किए उसके सिवाय कोई बता दे भला। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में कोई काम? कोई काम हुआ ही नहीं है। बाकी एरिया में हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन हमारे एरिया में हुआ नहीं है, हमारे विधानसभा में तो। अच्छा तो किसकी सरकार आनी चाहिए अब लगता है कि विकास होगा? बहुत विकास होगा, बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी आने से विकास जी, होगा। जी 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 जी। अच्छा। जी ये देखिए एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची हुई थी। कौन आया था दादी? जारा के आए। जारा गाँव से? कौन आया था यहाँ पे? मोदी, नरेंद्र मोदी। कैसा लगा सुन के? बने लागे। अच्छा बने लागे। इनका कहना है कि बहुत अच्छा लगा नरेंद्र मोदी को सुन के। यहाँ देखिए एक बुजुर्ग, कितने साल के हो अम्मा? 65। अच्छा अच्छा तो कौन आया था यहाँ पर? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आए थे, कैसा लगा उनका भाषण सुन के? मैं तो भाषण सुन भी नहीं पाया, मेरे को आते आते लेट हो गया। अच्छा आते आते लेट हो गया। अच्छा आप उत्साहित थे कि मोदी आ रहे हैं, आप देखोगे सुनोगे? हम तो मोदी का लोग हैं। अच्छा मोदी के लोग हैं आप लोग। किसकी सरकार बनना चाहिए? अम्मा अभी चुनाव होने वाला है। मोदी का सरकार बनना चाहिए। मोदी की सरकार बनना चाहिए। तो देख सकते हैं कि 70 साल की उम्र है, हालांकि वो सभा में समय पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि जो आते आते उन्हें लेट हो गया, लेकिन उनका कहना है कि मोदी की सरकार बनना चाहिए। कुल मिला के यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान और ख़ास करके ग्रामीण यही चाहते हैं कि इस बार तख्ता पलटे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। हालांकि प्रधानमंत्री के इस सभा के बाद आने वाले चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या यहाँ के बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में एक बार भाजपा फिर से दोबारा आ सकती है या फिर कांग्रेस का ही गढ़ कहलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अशोक नायडू, ABP News, लालबाग।